हेलो एवरीवन, योर आराधना मैम वेलकम्स यू इन यूट्यूब चैनल लर्निंग विद आराधना मैम एंड वी वर डिस्कसिंग द 8th चैप्टर लोकल गवर्नमेंट्स फ्रॉम द 11th स्टैंडर्ड पॉलिटिकल साइंस बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क. एंड येस्टरडे इन प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट्स एंड इट्स इम्पॉर्टेंस. What's the need of local governments? And today we are going to discuss the local governments in independent India. India got independent after independence. Local government ka kya role raha, kaise progress hui? This we are going to discuss. Okay? Local governments in independent India. Local governments got a fillip after 73rd and 74th. Constitutional Amendments Act. I have told you ki earlier when we got independence, we were quite scared. डर चुके थे हम लोग, okay? किससे? Partition of India से. So it was thought when stress given to the local governments, local level government, it may be harmful for the unity and integrity of India. So that's why this was decided that state governments themselves will be, okay, think about all these depend on the state governments. कि state governments जो हैं वो खुद देखेंगी कि local level की government को अपनी state में उन्होंने कितनी पावर देनी है, कैसे. ओके, तो इतना ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई लोकल लेवल गवर्नमेंट की. बट आफ्टर 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास हुए, ठीक है, उसके बाद थोड़ी प्रोग्रेस हुई है, फ्लिप आया, एक टर्न आया है लोकल गवर्नमेंट में. बट इवन बिफोर दैट, उससे पहले सम एफर्ट इन दिस डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस. बट इस अमेंडमेंट से पहले हम कहते हैं कि ट्रमेंडस चेंज आया 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पहले क्या हुआ है. बट अब इसके बाद क्या हुआ है कि बहुत से पहले ही एफर्ट्स लिए जा चुके थे, कोशिशें की जा चुकी थी इस डायरेक्शन में डेवलपमेंट की, लोकल लेवल गवर्नमेंट की. ओके, फर्स्ट इन द लाइन वॉज कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम इन 1952. ओके, 1952 में फर्स्ट लाइन में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च हुआ है. 1952 कम्युनिटी, लोकल लेवल नहीं, यहाँ पे नाम क्या दिया गया है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम. ओके, कीप दिस थिंग इन माइंड. विच सॉट टू प्रमोट द पीपल पार्टिसिपेशन, यहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम 1952 में हुआ, उसमें यही था मेनली पर्पस कि पीपल्स का, लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े लोकल डेवलपमेंट रेंज में, जो भी लोकल डेवलपमेंट ओके एक्टिविटीज़ हैं उनमें. देन क्या हुआ है, इन दिस बैकग्राउंड अ थ्री टायर पंचायत सिस्टम, ठीक है, थ्री टायर पंचायत सिस्टम लोकल गवर्नमेंट वॉज रिकमेंडेड फॉर द रूरल एरिया. ये सुझाव दिया गया, रिकमेंडेड मतलब सुझाव दिया गया कि रूरल एरिया के लिए लोकल गवर्नमेंट हो, पंचायती राज तो हो बट थ्री टायर हो. ओके, ये कौन से है ये हम डिस्कस करते हैं. बट यू हैव रेड इन द 6th स्टैंडर्ड बुक ऑल्सो, हेयर वी विल एक्सप्लेन अगेन. Some state like Gujarat, Maharashtra. Gujarat और महाराष्ट्र ने ये जो था adopt कर लिया, अपना दिया ये local level government का पंचायती राज और three tier system. Okay? The first two states in India were Gujarat and Maharashtra, जिन्होंने ये system adopt किया है. Okay? Adopted the system of elected local government around 1960. ये 1960s में अडॉप्ट कर लिया महाराष्ट्र ने और गुजरात ने. बट 1952 में ये कम्युनिटी डेवलपमेंट डिसाइड किया गया था लोकल लेवल गवर्नमेंट को एक्टिवली
पीपल पार्टिसिपेशन के लिए और उनकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए, और 60s के अराउंड आसपास जो है गुजरात महाराष्ट्र ने ये अडॉप्ट कर लिया लोकल लेवल लोकल बॉडीज का सिस्टम. ओके, बट मेनी स्टेट्स दोज डिडेंट हैव इनफ पावर एंड फंक्शन टू लुक आफ्टर. बट बहुत सी स्टेट्स अभी भी थी जिनके पास ना पावर, ठीक है, लोकल लेवल गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के लिए, ना वो ध्यान से देखते थे, ना वो उनको पावर दे रहे थे, ना ही काम कर रहे थे. दे वर वेरी मच लोकल लेवल की गवर्नमेंट्स क्या थी, वो टोटली डिपेंडेंट थी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के. महाराष्ट्र और गुजरात में तो होगी लोकल लेवल गवर्नमेंट सेटअप अराउंड 1960 में. ओके, हमने ये कर लिया डिस्कस. बट इंडिया में बहुत स्टेट थी अभी डिपेंडेंट थी सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पर फाइनेंशियल असिस्टेंट के लिए और दूसरे डेवलपमेंटल प्रोग्राम के लिए. ओके, सो इट वाज नेसेसरी टू एस्टेब्लिश, ज़रूरी हो गया था कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो. बहुत से इंस्टेंस है, एग्जाम्पल है इसके लिए, लोकल बॉडीज वर डिसॉल्व एंड लोकल गवर्नमेंट वॉज हैंडेड ओवर टू गवर्नमेंट ऑफिसर्स. ऑफिसर्स, ओके, लोकल बॉडीज को डिसॉल्व कर दिया गया, ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई मतलब, और लोकल गवर्नमेंट का काम किसको दे दिया गया, गवर्नमेंट जॉब्स करने वाले ऑफिसर्स को, गवर्नमेंट जॉब में थे, यानी कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट नहीं थी, ख़त्म हो गया काफ़ी स्टेट में, और जो लोकल लेवल के ऑफिसर्स थे वही लोगों को प्रॉब्लम सुनते थे या सुलझाते थे या काम देखते थे. ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट, मैनी स्टेट्स यहाँ पे क्या थी, मैनी स्टेट हैड इनडायरेक्ट इलेक्शन टू मोस्ट लोकल बॉडी. इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, बहुत सी स्टेट जो थी इलेक्शन टू लोकल बॉडी वर पोस्टपोन टाइम टू टाइम, यानी कि दे वर नो रेगुलर इलेक्शन. रेगुलर इलेक्शन का तो नाम ही नहीं था. ओके, रेगुलर इलेक्शन, नो रेगुलर इलेक्शन. आपको पता है रेगुलर इलेक्शन मीन्स आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद वोट होना, वो तो पता ही नहीं. ओके, एक बार वोटिंग होगी या दोबारा कब ये पता ही नहीं, और अगर वोट होनी भी है 10 ईयर के बाद या 15 ईयर के बाद, वो भी पोस्टपोन हो जाते थे. ये हाल था इंडिया में. ओके, लोकल लेवल की गवर्नमेंट का. देन है मूविंग टू द नेक्स्ट, आफ्टर 1987 के बाद यहाँ पे क्या है, थोरो रिव्यू किया गया फंक्शंस का, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का क्या कैसे काम कर रहे हैं. तो इनिशिएटिव लिया गया, एक शुरुआत की गई 1989 में, और ये शुरुआत की गई है लोकल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में, और ये जो थी थ्रू पी के थंगोन, ये थे पी के थंगोन. ओके, कमेटी रिकमेंडेड, उन्होंने रिकमेंड की है पी के थंगोन कमेटी, कब, 1989 में. ओके, रिकमेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन फॉर द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज. लोकल गवर्नमेंट बॉडीज जो हैं उनको रिकॉग्नाइज की रहा. ओके, जिसको कहते हैं मान्यता देना, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड किया गया, चेंज किया गया, ताकि पीरियोडिक इलेक्शन, 5 साल बाद इलेक्शन हो लोकल गवर्नमेंट्स के, और एनलिस्टमेंट ऑफ एप्रोप्रिएट फंक्शन, और उनको एक पता हो कि ये उनके क्या हैं, पावर्स हैं और फंक्शंस हैं, ये उन्होंने करना है, और फंड भी दिए जाए उनको. ऐसे सुझाव, रिकमेंडेशन आई, सुझाव दिए गए, कब दिए गए, 1989 में पी के थंगोन कमेटी ने दिए हैं, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दी गई लोकल लेवल गवर्नमेंट को, और कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, लोकल गवर्नमेंट को पावर दी गई, फंड दिए गए ताकि वो अपने काम कर सके. अब नेक्स्ट है, बोथ नेहरू जी एंड नेहरू एंड डॉक्टर अंबेडकर वर नॉट वेरी एंथुसियास्टिक. वो दोनों के दोनों, ऑल दो दोनों इनके व्यूज़ नहीं मिलते जुलते थे, बट इस बारे में दोनों के व्यूज़ सेम थे, दोनों ही नहीं चाहते थे कि लोकल बॉडीज़ को ज़्यादा पावर देने के लिए एंथुसियास्टिक नहीं थे. डिड दे हैव सिमिलर ऑब्जेक्शन, क्या उनकी ऑब्जेक्शन सेम थी, यू विल हैव टू वर्क ऑन दिस. व्हाट वाज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कौन कौन सी थी
1992 के दैट विल ऑल्सो ओके. Which were the state that had established local government during 60s and 70s? These three we will discuss. And then next है 73rd and 74 amendments के बाद क्या हुआ या पहले ये हम discuss करने लगे हैं. In 1989 को central government ने introduce की है 2 constitutional amendments. 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की है सेंट्रल गवर्नमेंट में. इन अमेंडमेंट्स का मकसद एम क्या था, स्ट्रेंथन लोकल लेवल गवर्नमेंट को मजबूत करना और इंश्योर करना एलिमेंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी. सब एक जैसा स्ट्रक्चर है, काम एक जैसा हो सारी लोकल लेवल गवर्नमेंट के ओके. फंक्शंस जिसको हम लोग कहते हैं पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकल लेवल गवर्नमेंट की जो हैं ऑल ओवर इंडिया सेम हो, पावर्स भी और फंक्शंस भी. उन्होंने अपने एरिया के लिए ये करना है वो करना है इसको इंश्योर करने के लिए ओके अमेंडमेंट्स की गई है और पावर दी गई है. द कॉन्स्टिट्यूशन जो है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्राज़ील, ब्राज़ील का कॉन्स्टिट्यूशन है ठीक है, हैज़ क्रिएटेड स्टेट फेडरल डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनसिपल काउंसिल्स. ब्राज़ील का हमने डिस्कस किया हुआ है यूनिक स्ट्रक्चर जो, तो ये जो है ओके सॉरी दैट वाज बेल्जियम इन पॉलिटिकल साइंस विच वी हैव डिस्कस. ब्राज़ील इन लैटिन अमेरिका साउथ अमेरिका में है कंट्री. स्टेट ने फेडरल डिस्ट्रिक्ट बनाई और म्यूनसिपल काउंसिल्स है हर स्टेट में. ईच ऑफ दीज इज़ असाइंड इंडिपेंडेंट, हर म्यूनसिपल काउंसिल या फेडरल डिस्ट्रिक्ट की इंडिपेंडेंट पावर है. जुरिस्डिक्शन उनका क्षेत्राधिकार है यानी कि राइट है पूरा, दूसरा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता. जस्ट एज रिपब्लिक कैन नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ द, जैसे कि रिपब्लिक यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के मैटर में इंटरफेयर नहीं, दखल अंदाजी नहीं कर सकती, उसी तरह से स्टेट और रिपब्लिक जो है वो म्यूनसिपैलिटी के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते. वो भी इंडिपेंडेंट, उनको ज्यूरिस्डिक्शन मिला हुआ है पूरा, उनका क्षेत्राधिकार है एक्सेप्ट ऑन द ग्राउंड प्रोवाइडेड बाय. कुछ एक खास सिचुएशन है जो कॉन्स्टिट्यूशन में बताई हुई है जिनके कारण सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है म्यूनसिपल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट में, अदरवाइज नहीं. स्टेट कैन प्रोहिबिटेड फ्रॉम इंटरफेयरिंग, स्टेट को रोका जा सकता है, पूरी रोक है कि वो इंटरफेयर नहीं करेगी म्यूनसिपल कॉर्पोरेट काउंसिल के कामों में. और ये प्रोविज़न जो है, ये जो प्रोविज़न दी गई है ये पूरी तरह से प्रोटेक्ट करती है पावर्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट की पावर को. लेटर इन 1992 में ये जो है 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है ये पास की गई पार्लियामेंट ने ठीक है, अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस की गई और पास भी होगी. 73rd अमेंडमेंट जो थी वो किसके बारे में थी, रूरल गवर्नमेंट मींस पंचायत, गांव में होनी चाहिए, इसके बारे में थी ओके 73rd अमेंडमेंट. एंड 74th अमेंडमेंट जो थी दैट वाज अबाउट द प्रोविज़न रिलेटिंग टू द अर्बन यानी कि म्यूनसिपैलिटी या नगर पालिका हिंदी में बोलते हैं, एमसी हम लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि 73rd होगी विलेजेस के बारे में, विलेज में पंचायत कैसे होगी, क्या पावर होगी, क्या काम करेंगे, और 74th होगी म्यूनसिपैलिटी इन सिटीज ओके. ये फोर्स में आई, उसके बाद ये फोर्स में आई. हाँ जी बेटा जी, ये जो है अमेंडमेंट के बाद लोकल लेवल की गवर्नमेंट जो है वो पूरी तरह फोर्स में आ गई 1993 में ओके. वी हैव नोटिस्ड, हमने नोटिस किया कि अर्लियर भी थी ठीक है स्टेट में लोकल लेवल गवर्नमेंट. नोटिस दैट द लोकल गवर्नमेंट इज़ अ स्टेट सब्जेक्ट, कि ये स्टेट का मैटर है
पूरा वो देखेगी लोकल लेवल की गवर्नमेंट, ओके, कि किस तरह से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है कि मैंशन किया गया है कि पूरा स्टेट देखेगी, क्योंकि हम लोग डर चुके थे पार्टीशन में और ज़्यादा पावर देने के उस टाइम पे फेवर में, जैसे सकम स्टांसेज हो उस तरह से काम करना पड़ता है इसलिए, ओके। सो ये टोटली स्टेट का सब्जेक्ट है। स्टेट आर फ्री टू मेक देयर ओन लॉ दिस सब्जेक्ट। स्टेट्स टोटली फ्री हैं, आज़ाद है कि वो जिस तरह के मर्ज़ी लॉ बनाएं कि पंचायत ने कैसा काम करना है, क्या करना है और क्या, ठीक है। बट वंस द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड द स्टेट हैड टू चेंज देयर लॉज अबाउट, बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अमेंड कर लिया, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब ये कहा था कि स्टेट का ये सब्जेक्ट है, स्टेट्स देखेंगी कैसी पावर देनी है पंचायत को, लोकल गवर्नमेंट को और क्या नहीं देनी। बट जब ये 73rd एंड 74th अमेंडमेंट हो गई तब ये ज़रूरी हो गया हर स्टेट के लिए कि लोकल लेवल की गवर्नमेंट को पावर दे, इलेक्ट करवाए और क्या है, चेंज करे अपने लॉ में स्टेट गवर्नमेंट। हर स्टेट गवर्नमेंट के लिए अब ज़रूरी हो गया कि लोकल बॉडीज़ को पावर देने के लिए कन्फर्मिटी होनी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ, और लोकल लेवल की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन दे और पावर दे, ठीक है। देयर वर वन ईयर टाइम फॉर, और हर स्टेट गवर्नमेंट को एक साल का टाइम दे दिया गया कि वो अपने जो ज़रूरी चेंजेस हैं वो स्टेट लॉ में करे, जितने भी हो सकते हैं, और जो अमेंडमेंट लाइट सा करना है वो भी करें, बट लोकल लेवल की गवर्नमेंट एक साल के अंदर अंदर एक इफेक्टिव गवर्नमेंट बन जाए। 73rd हमारी जो है, 73rd अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली क्या है ये हम लोग देखते हैं। क्या है बेटा, द चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द 73rd अमेंडमेंट इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में 73rd जो है ये अमेंडमेंट की गई है। थ्री टायर स्ट्रक्चर है ये, ऑल स्टेट्स नाउ हैव अ यूनिफॉर्म थ्री टायर पंचायती राज। हर पंचायत की तीन टायर, ठीक है, एक तो ग्राम पंचायत, एट द बेस इज द ग्राम, बेस मतलब लोकल लेवल गवर्नमेंट की रूरल एरिया में, विलेजेस में सबसे नीचे कौन सी होगी, ग्राम पंचायत। हर विलेज की जो छोटे हैं तो तीन चार ग्राम की भी हो सकती है, ठीक है, ग्राम पंचायत। आई हैव टोल्ड यू कि सिटीजन हुअर ऑफ द एज ऑफ 18 या अबव द एज ऑफ 18, ठीक है, वो सारे इसके मेंबर होते हैं जो वोट कास्ट करते हैं। ग्राम पंचायत कवर अ विलेज और ग्रुप ऑफ विलेजेस, मैंने आपको पहले कह दिया ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एक विलेज की भी हो सकती है, अगर विलेज की पॉपुलेशन कम है तो ग्रुप ऑफ विलेजेस, ठीक है, चार पांच विलेजेस भी हो सकते हैं। और इंटरमीडिएटरी लेवल इज द मंडल, उसके बाद है मंडल यानी कि ब्लॉक या तालुका, ओके, उसके बाद ब्लॉक या तालुका आता है और ये है, ओके बेटा, दीज बॉडीज आर कॉल्ड मंडल, तालुका, पंचायत। देयर इंटरमीडिएटरी लेवल बॉडी नीड नॉट टू कॉन्स्टिट्यूटेड स्मॉलर स्टेट। छोटी छोटी स्टेट में ये ब्लॉक या तालुका ना भी चाहे रखी जाए, ओके, जहाँ पे स्मॉलर स्टेट है वहाँ पे ना भी हो कोई ज़रूरत नहीं है। बट एट एपेक्स सबसे ऊपर जो रूरल लोकल लेवल की गवर्नमेंट में जिला परिषद जिसको हम लोग कह लें या जिला पंचायत, कवरिंग द एंटायर रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, पूरे के पूरे रूरल एरिया है डिस्ट्रिक्ट का वो कवर करेंगे। सबसे नीचे कौन सी होगी, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के ऊपर कौन सी होगी, ब्लॉक समिति या ब्लॉक या तालुका कहते हैं, और सबसे ऊपर होगी जिला पंचायत, ठीक है, या जिला परिषद भी बोलती है, ये सबसे ऊपर है। गेटिंग माई थिंग, ग्राम पंचायत एक विलेज की भी हो सकती है, छोटी पॉपुलेशन है तो तीन चार की भी, और ब्लॉक जो है वो ज़्यादा है पंचायतों को देखता, समझ लगी है। ब्लॉक के अंदर
5-5 पंचायत समय लो लगाती हैं, हो सकती हैं, और वो चेक करते हैं कि पंचायत सारे काम सही करी है और ज़िला परिषद इन सबको सुपरवाइज करता है। गेटिंग माई थिंग, सबसे ऊपर हो गई ग्राम पंचायत, ओके, फिर सॉरी सबसे ऊपर हो गई ज़िला परिषद, ओके, या ज़िला पंचायत, फिर उसके नीचे है ब्लॉक या तालुका बोला गया, और सबसे नीचे है ग्राम पंचायत, ओके बेटा, ये है। अगर हम लोग ऐसे मूव करें, ग्राम पंचायत के ऊपर है ब्लॉक, ब्लॉक के ऊपर है ज़िला, ठीक है, इसको ऐसे टर्न कर ले ज़्यादा बढ़िया है, ओके। आई विल राइट अगेन, ग्राम पंचायत सबसे पहले, ग्राम के ऊपर है ब्लॉक, ब्लॉक जो है 8-10 पंचायत को भी सुपरवाइज कर सकता है, और सबसे ऊपर है ज़िला पंचायत, ओके, ये है। देन है अमेंडमेंट ऑल्सो, क्या है अमेंडमेंट जो है, ये भी ये हमारे साइड पे पहले है, लेट्स चेक दैट, मैं ये भूल गई, लेट्स डिस्कस। इफ़ आई अंडरस्टैंड दिस करेक्टली, द सेंटर फोर्स लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म ऑन द स्टेट, दिस इज़ फनी, यू अडॉप्ट डिसेंट्रलाइजेशन थ्रू सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिवीज़न ऑफ पावर, और सेंट्रलाइज्ड मीन्स एक ही हाथ में पावर, पहले एक ही हाथ में थी और बाद में पावर की डिवीज़न होगी। अगर हम लोग कहें कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है, लोकल गवर्नमेंट को रिफॉर्म किया, तो ये गलत है। हम सीधा कहेंगे कि शक्तियाँ जो है वो बांट दी गई, सेंट्रलाइज की बजाय डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, ठीक है। अब हम लोग करने जा रहे हैं 73rd अमेंडमेंट को एग्जामिन करेंगे हम लोग प्रॉपरली। दिस वी वर डिस्कसिंग, देन अब हम लोग करते हैं कि अमेंडमेंट वॉज मेड, ये अमेंडमेंट की गई, प्रोविजन फॉर द मैंडेटरी क्रिएशन ऑफ, पूरा चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पे परिवर्तन की ज़रूरत थी की गई, ताकि ग्राम सभा, यहाँ पे ग्राम सभा मैंने आपको पहले कहा 18 की एज के अबव जो वोट कास्ट करते हैं वो सारे इसके मेंबर हैं, उनको रजिस्टर्ड करवाना होगा पंचायत में। इट्स रोल एंड फंक्शन आर डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है, ये पूरी तरह स्टेट का सब्जेक्ट था और वो ही डिसाइड करेगी। अब डज ग्राम सभा मीन द डेमोक्रेटिक फोरम ऑफ द एंटायर विलेज? डू ग्राम सभा एक्चुअली मीट रेगुलरली? ग्राम सभा रेगुलरली मिलती है और ये डेमोक्रेटिक फोरम है, अपने व्यूज दीजिए। अब इलेक्शन, ऑल थ्री लेवल ऑफ पंचायती राज, पंचायती राज तीनों तरह की इंस्टीट्यूशंस वर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, लोग जो थे डायरेक्टली इलेक्ट करते थे, और ये जो था द टर्म ऑफ ईच पंचायत, हर पंचायत की टर्म जो है बॉडी इज़ 5 ईयर, जैसे कि MP के इलेक्शन होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तो भी 5 ईयर है, MLA के होते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के तो भी, और अब MC है या पंचायत है रूरल एरिया में तो उनकी भी टर्म सेम है, ओके, ये कितनी है 5 साल की, हर 5 साल बाद इलेक्शनों के 5 साल में उनकी टर्म जो है वो ख़त्म हो जाएगी। नेक्स्ट है, फ्रेश इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड, इलेक्शन नए हो जाने चाहिए विद इन 6 मंथ ऑफ सच डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन के बाद ग्राम पंचायत ख़त्म होने के बाद या तो नई साथ ही बन जाए, अगर नहीं हो पाता तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ का डिले है, 6 मंथ के अंदर अंदर फ्रेश पंचायत या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं बन जाए। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न, ये एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न था जिसमें इंश्योर, यकीनी किया गया, विश्वास दिलाया गया, पक्का किया गया कि एग्जिस्टेंट ऑफ इलेक्टेड लोकल बॉडीज, जो लोकल बॉडीज़ हैं वो एग्जिस्ट करेंगी बिफोर 73rd अमेंडमेंट जो है इन मैनी स्टेट,
बहुत सी स्टेट में हुई, देयर यूज़ टू बी इनडायरेक्ट इलेक्शन डिस्ट्रिक्ट बॉडी, ठीक है, यूज़ किया गया अमेंडमेंट के बाद इलेक्शन हुए डिस्ट्रिक्ट बॉडी के, देयर वॉज नो प्रोविजन फॉर द इमीडिएट इलेक्शन आवर डिसॉल्यूशन। बट यहाँ पे फिर से कोई सॉल्यूशन नहीं, कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है कि 6 महीने के अंदर अंदर नए इलेक्शन हो जाए इमीडिएटली, ठीक है, जल्दी से नए इलेक्शन हो जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं। यानी कि 6 मंथ का अगर डिले लिखा है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। अब है रेजर्वेशन। रेजर्वेशन जो है, 1/3 ऑफ द पोजीशन इन द पंचायत इंस्टीट्यूशन वर रिजर्व्ड फॉर द वीमेन। पंचायत में कितनी, 1/3 सीट्स जो हैं वे वीमेन के लिए रिजर्व्ड है। रेजर्वेशन फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रेजर्व। हाँ जी बेटा, 1/3 ऑफ द पोजीशन जो है वो रेजर्वेशन रखी गई वीमेन के लिए, और फिर रेजर्वेशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए भी रखी गई है, ठीक है। दे वर ऑल्सो प्रोवाइडेड एट ऑल 3 लेवल, तीनों लेवल पे, तीनों लेवल मैंने डिस्कस किए ना। सबसे ऊपर है ज़िला, ओके, ज़िला परिषद, देन नेक्स्ट है उसके नीचे है ब्लॉक समिति या ब्लॉक, और सबसे नीचे है ग्राम पंचायत। इन तीनों लेवल के लिए रेजर्वेशन है। रेजर्वेशन कितनी, 1/3 सीट पर वुमेन कैंडिडेट, और बाकी जो है शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स सबके लिए रेजर्वेशन है। और ये जो है पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली इन प्रोपोर्शन इन देयर पॉपुलेशन, यानी कि जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से ये रेजर्वेशन होगी। 1/3 मतलब पॉपुलेशन का निकाल लो कितना, 1/3। इफ़ स्टेट फाइंड इट नेसेसरी दे कैन ऑल्सो प्रोवाइड रेजर्वेशन। अगर स्टेट को लगे कि एससी एसटी या वुमेन के अलावा ओबीसी भी, अदर बैकवर्ड क्लासेस भी हैं, तो उनके लिए भी वो रेजर्वेशन रख सकती है, क्योंकि ये स्टेट का मैटर है, पूरी तरह से स्टेट के सब्जेक्ट है। इसीलिए ये स्टेट को पूरा राइट दिया गया है कि ये जो है वो पूरा का पूरा देखे कि रेजर्वेशन किसको कितना देना है। ये रेजर्वेशन बढ़ा भी कर सकते हैं और कम भी। हाँ जी बेटा जी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट दीज रेजर्वेशन अप्लाई नॉट मेयरली टू द ऑर्डनरी मेंबर इन द पंचायत बट ऑल्सो टू द, ये ज़रूरी है कि ये की सारी ये ऑर्डनरी मेंबर पंचायत, बट ये जो है टू द पोजीशन ऑफ चेयरपर्सन और अध्यक्षा। रेजर्वेशन जो है ये ऑर्डनरी जो मतलब मेंबर हैं पंचायत के, ये उनके लिए है, जो अध्यक्ष या चेयरपर्सन बनेंगे उनके लिए रेजर्वेशन नहीं है, वो उनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, 3 टायर। फर्दर रेजर्वेशन जो 1/3 है सीट विमेन के लिए, नॉट मेयरली इन जर्नल कैटेगरी ऑफ द सीट, ये जर्नल कैटेगरी से नहीं, बट ऑल्सो विद इन द सीट रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। यानी कि 1/3 सीट जो रिजर्व्ड हैं, 1/3 सीट जो रिजर्व्ड है वो टोटल मेंबर में से हैं, यानी कि एससीज एसटीज ओके और ओबीसीज की जितनी हैं उन सब का 1/3 देखना है। ये नहीं सेपरेट हर का 1/3 विमेन कैंडिडेट होंगे, ओके। दिस मीन्स दैट अ सीट में भी रिजर्व्ड सेम्यूटेनियसली साथ साथ, यानी कि विमेन कैंडिडेट के लिए वन नू बिलोंगिंग टू द शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब, ओके, साथ साथ ये चलेगी कि शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व्ड है सीट, तो उनमें से विमेन कैंडिडेट अगर विमेन के लिए रिजर्व्ड है तो उस कास्ट में से हो जाए रिजर्व। डज अ सरपंच वुड हैव टू बी अ दलित वुमेन और आदिवासी, इस तरह से सरपंच जो हैं वो भी
एक दलित वुमेन या आदिवासी वुमेन हो सकती हैं। ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट कौन कौन से ट्रांसफ़र किए गए उनके लिए ये हम लोग चेक करते हैं। 29 सब्जेक्ट्स जो हैं विच वर अर्लियर इन द स्टेट ऑफ सब्जेक्ट, जो पहले स्टेट का सब्जेक्ट था 29, अब 11th स्केड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में ये मेंशन है, ये सब्जेक्ट जो हैं 29 सब्जेक्ट जो पहले थे स्टेट लिस्ट में, अब ये किसको ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, पंचायत को, लोकल को, गवर्नमेंट को दे दिए गए हैं। एंड दीज सब्जेक्ट्स आर मोस्टली लिंक, ये ज़्यादातर सब्जेक्ट जो हैं लोकल एरिया की यानी कि ग्राम और सिटी की गांव की डेवलपमेंट वेलफेयर के फंक्शन है लोकल लेवल पे, जो लोगों की भलाई के लिए, लोगों की प्रोग्रेस के लिए, गांव की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है, वो उससे रिलेटेड है सारे सब्जेक्ट। एक्चुअल ट्रांसफ़र ऑफ दीज फंक्शन डिपेंड अपॉन द स्टेट, ये सारी के सारा क्योंकि सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट क्या है, स्टेट मैटर है और स्टेट सब्जेक्ट के अंडर है, तो स्टेट ही लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी, कैसे वो ट्रांसफ़र करती है, कैसे लॉ बनाती है, कि लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, ये सारा उनका है। ईच स्टेट, हर स्टेट डिसाइड करेगी कि दीज 29 सब्जेक्ट वुड बी ट्रांसफ़र, क्या ये 29 सब्जेक्ट ट्रांसफ़र किए जाए, उनको कैसे, ये पूरा उनके हाथों में लोकल लेवल गवर्नमेंट्स को टोटली फ्री उनको रखा गया। अब हम लोग, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 243G, पावर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। यहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 243 में पूरी तरह से पावर्स जो हैं वो मेंशन की गई हैं, किसकी, पंचायत की, एंड द लेजिस्लेशन, कैसे, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट में बाय लॉ, ठीक है, आपको बताया गया सब्जेक्ट है स्टेट का, तो वही लॉ बनाएगी इसके ऊपर, वही पावर देगी, वही अथॉरिटी देगी, और ये मैटर लिस्टेड 11th स्केड्यूल में है। सम सब्जेक्ट लिस्टेड इन द 11th स्केड्यूल, कुछ एक जो हैं 11th स्केड्यूल में मेंशन है, ठीक है, ये सब्जेक्ट आप देख लेना कौन कौन से लोकल लेवल से रिलेटेड और किस तरह से उन्होंने ये सॉल्व करने, ये सारा। अब हम लोग कर रहे हैं द प्रोविज़न जो है 73rd अमेंडमेंट जो है वर नॉट मेड एप्लीकेबल टू द एरिया, बट ये 73rd अमेंडमेंट की गई, ये एप्लीकेबल नहीं थे आदिवासी पॉपुलेशन वाले एरिया में। हमारे इंडिया में बहुत सी स्टेट है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब्स या आदिवासी लोग रहते हैं, 1996 में एक सेपरेट एक्ट इसके लिए बनाया गया, ठीक है, सेपरेट लॉ बनाया गया, इसमें पावर एक्सटेंड की गई, प्रोविज़न दी गई पंचायती सिस्टम को उन जो आदिवासी कम्युनिटी है, ठीक है, ताकि उनकी जो ट्रेडिशनल कस्टम को मैनेज किया जाए प्रॉपरली, उनके रिसोर्सेज हैं फॉरेस्ट, वाटरवेज, आपको बताएं कि ये सारे जो हैं फॉरेस्ट को लुक आफ्टर, एनिमल्स को भी लुक आफ्टर बहुत अच्छे से करते हैं, देखते हैं, इसलिए ये उनके अकॉर्डिंगली प्रोविजंस कुछ एक बनाएगी ताकि वो मैनेज करें। देन है देयरफॉर द न्यू एक्ट प्रोटेक्ट द राइट ऑफ दिस कम्युनिटी, नया एक्ट बना जो राइट इन सब कम्युनिटी, जो आदिवासी लोग हैं उन कम्युनिटीज के राइट को, उनके हितों की रक्षा करें और मैनेज करें उनके रिसोर्सेज को, जो कि सबको स्वीकार, एक्सेप्टेबल हो, ठीक है, उनको स्पेशली एक्सेप्टेबल टू देम, फॉर दिस पर्पस मोर पावर, और इस पर्पस के लिए ग्राम सभा को ज़्यादा पावर दी गई, ठीक है, ऑफ दीज एरिया एंड इलेक्टेड विलेज ऑफ पंचायत, और पंचायत के विलेजेस को ज़्यादा पावर, हैव टू गेट द कंसेंट ऑफ द ग्राम सभा इन वेरी रिस्पेक्ट, ठीक है, ग्राम सभा को ज़्यादा पावर दी गई और
इलेक्टेड ग्राम पंचायत जो है वो सेट की गई, उनको ग्राम सभा का यानी कि 18 के अबाव के एज के जो मेंबर हैं उन सबकी कंसेंट लेनी होगी, जो वोटिंग का राइट और मेंबर है ग्राम सभा के, कि गांव में क्या क्या किस तरह से चीजें क्या डेवलपमेंट, उनकी कंसेंट। द आइडिया बिहाइंड, ये विचार के पीछे क्या था कि लोकल ट्रेडिशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट शुड बी प्रोटेक्टेड। ठीक है, लोकल ट्रेडिशन जो परंपराएं चली आ रही हैं सेल्फ गवर्नमेंट की, उनको प्रोटेक्ट किया जाए। ठीक है, मॉडर्न इलेक्टेड बॉडी तो हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर जो उनकी कल परंपरा है, जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी कल्चर है, वो ना ख़त्म हो। इसके लिए दिस इज़ ओनली कंसिस्टेंट विद द स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी एंड डिसेंट्रलाइजेशन। ये क्या है, इसीलिए हमारा चला आ रहा है, कंसिस्टेंट है, लगातार चल रहा है कि स्पिरिट ऑफ डाइवर्सिटी है और डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि शक्तियों का बंटवारा हो गया। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, अब आ जाइए जी, स्टेट गवर्नमेंट जो है रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करें, ज़रूरी है इसके लिए अपॉइंट करना। हु वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए वो पूरी तरह रिस्पॉन्सिबल होगा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में। अर्लियर दिस टास्क वॉज परफॉर्म, पहले ये टास्क जो था ये स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन करती थी, विच वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में पूरी तरह था, अब स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। आई हैव टोल्ड यू कि स्टेट इलेक्शन कमीशन एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसे एक बार अपॉइंट हो जाए उसके बाद वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के टूवर्ड्स, वो इंडिपेंडेंटली काम करता है। इसी तरह से पहले जो थी लोकल लेवल गवर्नमेंट के इलेक्शन जो थे वो स्टेट गवर्नमेंट करवाती थी, अब पूरा का पूरा कंट्रोल हो गया स्टेट इलेक्शन कमीशन का और वो जो है इलेक्शन करवाता है अब। ओके, ये एक इंडिपेंडेंट ऑफिसर होता है एंड नॉट लिंक्ड टू दिस ऑफिसर अंडर द, सिर्फ उसके ऊपर कंट्रोल है किसका, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का। वो उनको गाइडलाइन देते हैं या इंस्ट्रक्शन कैसे हर स्टेट में, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पूरे इंडिया को नहीं देख सकता, इसलिए हर स्टेट में इलेक्शन कमीशन है जो काम देखते हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन, अब आ जाइए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है, द स्टेट गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड टू अपॉइंट अ स्टेट फाइनेंस कमीशन। ठीक है, वंस इन 5 ईयर, 5 सालों में एक बार स्टेट फाइनेंस कमीशन अपॉइंट करना ज़रूरी है। दिस कमीशन वुड एग्जामिन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्टेट। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या काम है, फाइनेंशियल पोजीशन लोकल लेवल गवर्नमेंट की चेक करना है। ओके, कैसे है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे डील कर रही है। इट वुड ऑल्सो रिव्यू द डिस्ट्रीब्यूशन, और रेवेन्यू जो है कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, रेवेन्यू मतलब टैक्सेस लगा लो आप, जो हो रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, बांट रही हैं। ओके, ऑन द वन हैंड एंड बिटवीन रूरल एंड अर्बन गवर्नमेंट, रूरल और अर्बन गवर्नमेंट में कैसे, या किसी भी इसमें पर्टिकुलरली किसी भी विलेज को या किसी भी डिस्ट्रिक्ट या सिटी को इग्नोर तो नहीं किया जा रहा, इक्वल डेवलपमेंटल प्रोग्राम चल रहे हैं, इसका ये है बस। ओके, चेक करना। सो ये जो है इट वुड रिव्यू, हाँ जी, क्या है दिस इनोवेशन, ये जो एक इनोवेशन हुई थी नई चीज़ जिसको हम लोग कहते हैं, इंश्योर दैट द एलोकेशन ऑफ फंड टू द रूरल लोकल गवर्नमेंट जो है वो विल नॉट बी पॉलिटिकल मैटर, एक राजनीति से प्रेरित जिसको हम लोग कहते हैं ना, वैसा कोई मैटर ना हो,
बराबर सबको ये फंड मिलते रहें और हर कोई अपना काम डेवलपमेंट का, पीपल की प्रॉब्लम सॉल्विंग का चलते रहे। अब एक्टिविटी है, आइडेंटिफाई सम ऑफ द पावर दैट योर स्टेट गवर्नमेंट हैज़ डेलीगेटेड टू पंचायत। ओके बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेरी वेल, बट स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम, सेंड मी योर प्रॉब्लम इन कमेंट सेक्शन।